It's a great tragedy for the state that innocent people who had gone to Shiv Godi to pray and they got killed in this incident. Those people who are doing this thing must realize this is not going to change the situation or the borders. And I think time has come when they must realize that terrorism is not going to help anybody. It's going to further vitiate the atmosphere in the both nations, and the world will condemn it as hard as it can. As far as putting responsibility on the Indian Army or the police or the other people, I don't think that's true, because they're doing their best. Our borders are permeable even with all the security that we have got. It's happened before, it'll continue to happen if we don't become part of condemning it. We must all condemn everyone what has happened. And we should be extremely careful now that the yatra is going to start of Amarnathji. We must be very careful, every Kashmiri or everybody from all state must cooperate with the security forces to see no such incident takes place. इस दर्दनाक हादसे में हमारे 9 लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो इंजरी है वो 43 लोगों की है, जिसमें से कुछ माइनर इंजरीज वाले हैं और कुछ की इंजरीज भी हैं। जीएमसी में हमने अभी तक 23 लोगों को भेजा है, 11 लोग नारायणा में उपचार करवा रहे हैं और 9 लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां हम खड़े हैं वहां पे उपचार करा रहे हैं। सर, उस टाइम पे मैं पहला व्यक्ति हूं जो मैं अपने बारक से घर की तरफ जा रहा था, तो बस में से 2 बंदे ऊपर चढ़ के आए थे। वो मेरे ख्याल में बस से गिरे हुए थे बाहर, वो चढ़ के ऊपर आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा भैया हमारे साथ हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारे पे अटैक हो गया। तो मैंने कंफ्यूजन में रहा कि ये अटैक कहाँ से हो गया, क्या मैंने देखा एक्सीडेंट। तो मैंने अकेला था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, बस बहुत नीचे खाई में थी। तो मैं सबसे पहले चिल्लाया, सबको आवाजें लगाई कि बस नीचे चली गई, आप सब लोग आओ रेस्क्यू करें, हम लोग बंदे फंसे हुए हैं। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जांबाज पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो मुकाबला कर नहीं सकते। ये कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। जिन आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है उनको उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।